गोविंद हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई 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 गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई 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 गौरांग हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पांचाकल्पतरुभ्यश्च तर्जनभद्रं कृपा सिंधु भय बच पतितानांग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंदूर अनुरागिक सिंधु लावण्य सिंदूर अति सांद्र कृपायिक सिंधु अमृत सिंदूर अमृत छवि केलि सिंधु श्री राधिके स्फुरत में हृदि केलि सिंधु। वृंदाई तुलसी देवई प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमान नित्यानंद प्रभु और श्रीमान हरिदास ठाकुर जी को दरवाजा दरवाजा पर भेजे और बोले क्या बोलना, बोलो बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। सभी को यही तीन चीज जगत में शिक्षा देना और जो शिक्षा को ग्रहण करेंगे वो तो धन्य धन्य है ही है, लेकिन जो शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे फिर महाप्रभु कहते मैं सुदर्शन चक्र लेकर के उनको सब खत्म कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, कहते जो भगवान की भक्ति ग्रहण करेगा जो महाप्रभु का आदेश को पालन करेगा उसको भगवान की धाम गोलक वृंदावन में राधा गोविंद का सेवा महाप्रभु का सेवा मिलेगा वो आनंद में रहेगा, लेकिन जो भक्ति नहीं करेगा भजन नहीं करेगा फिर उसको 14 ब्रह्मांड और ये 84 लाख जन्म में इसको भटकना पड़ेगा और उसको ये दुख कष्ट उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए जब उन्होंने महाप्रभु का आदेश को पा करके हैं सबको घर घर में जा करके हरिनाम दे रहे थे बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। अभी कहते जो सज्जन लोग हैं हाँ सज्जन लोग जब दर्शन करते थे अरे तो साधु हरिनाम प्रचार करने के लिए आए, कहते साधु किस लिए हरिनाम प्रचार करने के लिए आते हैं, कहते महत विचल नाम निर्नाम गृह नाम दीन चेतसाम निसरसाय भगवत अन्यथा कल्पित कुचित। इसलिए कहते महत स्वभाव यही तारिते पामर निज कार्य नाही तब जान तार घर। कहते महत्व का स्वभाव क्या है, कहते महत्व स्वभाव यही तारिते पामर इनका स्वभाव है, पामरों को पापियों को तारना ही इनका स्वभाव है। कहते निज कार्य नाही तब जान तार घर, कहते किस लिए ये वैष्णव लोग जाते हैं, बोले निज कार्य नाही है, कहते उनका कोई अपना कोई उनका कोई अपना कोई काम है ही नहीं, लेकिन तब भी क्या करते हैं दूसरों को घर में तब भी जाते हैं, क्योंकि जो वैष्णव है कहते ये पर दुख में ये दुखी है पर दुख में ये दुखी है। इसलिए जीवन में जब साधु संग जब भक्तों का संगत दर्शन प्राप्त हो जाए भक्तों का सान्निध्य प्राप्त हो जाए क्या है, इसलिए एक हिंदी में एक प्यार में बताए कहते अगर ये जगत में संत नहीं होते अगर जगत में संत नहीं होते ये जगत जल फूंक करके खत्म हो जाता, केवल ये दुनिया को रक्षा करने वाले कौन है, कहते साधु लोग रक्षा कर रहे हैं। अगर जब तक ये साधु लोग नहीं रहेंगे ना तो जगत में कोई भक्ति करने वाला नहीं होगा, फिर क्या होगा बताओ, भगवान एक सेकंड के लिए भी वो दुनिया को नहीं रखेंगे,
अभी जो आटम बम बना करके बैठे ना, वो ऐसे नहीं बना कर बैठे। भगवान गीता में कहते ना, ददामि बुद्धि योगम तम। इसलिए बुद्धि योग देने वाले कौन है? ददामि बुद्धि तो देने वाले वही है ना, ठाकुर तो बुद्धि देने वाले। ये आटम बम बनाने का बुद्धि किसने दिया है? ठाकुर ने दिया ना, है बुद्धि तो देने वाले वही है। इसलिए वो फिर वो बुद्धि आटम बम बना कर क्यों रखे? इसलिए रखे, जब देखेंगे कोई भगवान की भक्ति भजन भजन नहीं कर रहे ना, बस फिर तो ये विश्व विश्व युद्ध शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक जगत में कुछ साधु लोग भजन करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, ये नहीं होगा। एक दूसरे को धमकी दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि देने वाले ठाकुर स्वयं है। भगवान को पता है ना, अगर ये एटम बम गिराएंगे साधारण लोग तो मरेंगे हैं, और भक्त लोग भी मर जाएंगे। लेकिन भगवान की जो प्रतिज्ञा है, कौन ते प्रतिजानी न में भक्ता परिणति, भगवान की जो प्रतिज्ञा है, मेरे भक्तों का विनाश नहीं, फिर तो भगवान का भक्त ही खत्म हो जाएंगे। और विशेष करके ये जो कलिजुग है, ये धन्य कलिजुग है। ये धन्य कलिजुग होने का नाते कहते इसमें भक्ति का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, भक्ति का ज्यादा बढ़ेगा, भक्ति घटेगी नहीं, भक्ति नहीं घटेगी, भक्ति बढ़ेगी। पहले पहले लोग बोलते थे, पहले हाँ सभी का हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति तो रहती थी, लेकिन अभी जैसे लोग तिलक लगाए, कंठी माला धारण है ना, पहले लोग इतना नहीं करते थे, करते थे साधारण रूप में, लेकिन इतना रूप में लोग नहीं करते थे, हैं? क्योंकि धन्य कलयुग होने के नाते महाप्रभु का कृपा आशीर्वाद से, इसलिए एकादश स्कंध में बताया, कहते जगत में जितने बड़ा बीमारी होना उसके लिए दवा भी उतना बड़ा होनी चाहिए। जितना बड़ा बीमारी दवा उसको उतना बड़ा भी दवा होनी चाहिए। कहते ये युग क्या, भले कलयुग है, ये कलयुग होने का नाते कहते उसके लिए उतना बड़ी क्या दवा चाहिए। इसलिए कहते ये कलयुग में क्या होगा, बड़े बड़े साधु पुरुष भी कलयुग में जन्म ग्रहण करेंगे। जन्म ग्रहण कर क्या करेंगे, जगत में हरि भक्ति को जगत में प्रचार करेंगे। तुम लोग भी एक दिन हरि भक्ति प्रचार करोगे, तुम लोग हरि भक्ति को जगत में प्रचार करोगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कुछ कुछ सज्जन लोग हैं, अरे साधु लोग आए, साधु लोग बड़े भाग्य से जीवन में साधु दर्शन होता है। इसलिए पुंस अखनो बोलो श्लोक क्या बोलो, हाँ साधु नाम समचिता नाम, हाँ इसलिए दर्शन भवेत बंध पुष अखनो सवितुर जथा। इसलिए जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, साधु दर्शन मात्र से ही दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारे गुरु। कुछ सज्जन लोग भी है, जब देखते साधु आए, अरे बड़ी भाग्य है घर में साधु लोग आए, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको जतन करते। लेकिन दुष्ट लोग भी है, दुष्ट लोग भी है, लेकिन जब दुष्ट लोग देखते ना साधुओं को, हैं जब दुष्ट लोग देखते हैं साधुओं को, कहते हैं क्या बोलते हैं, दिमाग से पागल हो गए, कोई काम धंधा है ही नहीं, जब तिलक कंठी लगा कर पागल हो करके हैं, कहते जो निमाई है ना, ये सबको, ये साधु एक निमाई आया और सबको बुद्धि खराब कर दिया, खुद का बुद्धि भी खराब है और सबका बुद्धि भी इसने खराब कर दिया है। इसलिए कहते विशेष करके जब महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे और बहिर्मुख लोगों को घुसने नहीं देते थे, केवल उनका अंतरंग लोग ही प्रवेश करते थे, इसलिए कुछ कुछ लोग नाराज होते थे, भले ये क्या करते हैं अंदर में, हाँ दरवाजा बंद करके हमको घुसने नहीं देते हैं। कहते विशेष करके वो लोग क्या करते थे, जब ये लोग घर घर में द्वार द्वार में जाते थे, बोले तुमको मारो है, इनको मारो मारो है, इसलिए इनको पकड़ करके क्या करो, राज दरबार में इनको पकड़ करके राज दरबार में ले चलो। इसलिए लेकिन जो महाप्रभु का भक्ति करने वाले भजन करने वाले यहाँ पर कहते हैं काल की भय, हाँ कहते साधारण जीव का क्या भय है, बोले भक्त लोग तो काल को भी नहीं डरते हैं, काल को भी नहीं डरते, क्यों नहीं डरते हैं, इनको जो शरणागत भक्त है इनको ये विश्वास है, रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे है। इसलिए जिस समय हरिदास ठाकुर को पकड़ कर गई जा रहे थे, कोई निर्डर कोई डर भय नहीं, क्यों डर भय नहीं, क्यों वो संपूर्ण रूप में भगवान का चरण शरणागत है,
इसलिए राखे हरि तो मारे के और मारे हरि तो राखे के, इसलिए जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कर भले ही विश्व ब्रह्मांड तुम्हारी शत्रु बन जाए, लेकिन जिसको ठाकुर जी रक्षा करते हैं उनको कोई नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक चीज समझो, ये विश्वास कब होगा? ये बहुत बड़ी की चीज है। ये विश्वास कब होगा? लेकिन ये विश्वास तब होगी हम जितने निष्कपट रूप में भगवान के चरण में शरणागत है और जितने निष्कपट रूप में हम भगवान की भक्ति करते हैं हृदय में, ये चीज उतना ही विश्वास आएगा, नहीं तो विश्वास नहीं आएगी। विश्वास दूसरे के प्रति आएगी है, दुनियादारी धन संपत्ति दुनियादारी का प्रति विश्वास आएगी, लेकिन भगवान के ऊपर में जीव का विश्वास नहीं आएगा। कारण है हृदय में शरणागति नहीं है, हैं? इसलिए जब शरणागति होगा निष्कपट से भजन करेंगे, हर समय उठते बैठते सोते क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर निर्भय होकर के हैं, बिना डर के निर्भय होकर सर्वत्र हरि कीर्तन को प्रचार करते हैं। बोले एक दिन पथ देखे दुई मातवाल, महादस्यु प्राय दुई मद्यप विशाल। इसलिए एक दिन ऐसे प्रचार करते करते कहते उन्होंने एक दिन हठात उन्होंने रास्ता में क्या देखा, दो पियकड़ देखा। क्या देखा? दो पियकड़ पियकड़ समझते को जो मद पीने वाले हैं, इसलिए जो मद पीते हैं शराब पीते हैं मतवाल हैं, कि दो पियकड़ को देखा। बोले क्या देखा? बोले महादस्यु प्राय दुई मद्यप विशाल, कि दोनों कैसे? बोले महादस्यु प्राय कहते ना, एक वैष्णव प्राय और एक विषयी प्राय, एक विषयी प्राय और एक वैष्णव प्राय। इसलिए विषयी प्राय मतलब क्या, देखने के लिए जैसे विषयी है लेकिन वो विषयी नहीं, और वैष्णव प्राय मतलब देखने के लिए तो लगता है वैष्णव है लेकिन वो वैष्णव नहीं है, है? इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे, महादस्यु प्राय, देखने में महादस्यु जैसे लेकिन दस्यु नहीं। बोले क्यों नहीं? कहते पूर्व जन्म में कौन थे? बोलो पूर्व जन्म में कौन थे? ये कौन थे? बोलो जय और विजय, ये वैकुंठ के ये द्वारपाल है, वैकुंठ के द्वारपाल थे, भगवान की सेवा करने वाले हैं। इसलिए भगवान की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, उनको बीस वीर रस को आस्वादन कराने के लिए ठाकुर जी की इच्छा जान करके उन्होंने अपना अभिशाप को ग्रहण किया, जान बुझ करके वैकुंठ से गिरे हैं। गिर कर क्यों? ठाकुर की इच्छा वीर रस का आस्वादन करेंगे, इसलिए उन्होंने पहला अवतार में क्या बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल दंतवक्र, चौथे में जगाई और माधाई, ये दोनों बोले। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, बोले महादस्यु प्राय दुई, का जो दोनों हैं ये बहुत जैसे विषय जैसे दिख रहे लेकिन विषय तत्व तो नहीं। कहते दुई मद्यप विशाल, कहते जो दोनों तो पियकड़ है, साधारण कोई पियकड़ नहीं, जैसे साधारण व्यक्ति होते ना, हाँ पी लिया रात को थोड़ी सोते समय पी लिया सवेरे नशा उतर गया, लेकिन ये ऐसे नहीं थे, मटकी में हैं, कहते मटकी में भर करके मेन रोड के ऊपर बैठ करके हाँ मटकी में पीते थे दिन भर, इसलिए मटकी में पी करके दिन भर पीते थे रास्ता में बैठ करके, और दूर की करते थे क्या, कहते ब्राह्मण हैया मद्य गोमांस भक्षण, डाका चोरी पर गृह दारे सर्वक्षण। कहते इनका काम क्या था दोनों, इनका पहला नाम क्या था जानते हो? कौन बता सकते है पहले इनका नाम क्या था? अरे बोलो जगदानंद। हाँ
बंद बधाए और माधवानंद बंद बधाए, ये दोनों ब्राह्मण है, इनको पहले जगदानंद बंद बधाए और माधवानंद, इसलिए बाद में इनको जगाई और माधाई कहते हैं, लेकिन दोनों बंद बधाए मतलब बंगाल में ये ब्राह्मण है। इसलिए कहते ब्राह्मण है या मध्य गोमांस भक्षण, लेकिन करते थे क्या, बोले शराब और गोमांस तक भी भक्षण करते थे। और क्या करते, बोले डाका चुरी है, घर में डाकैत डालना, चोरी करना, और पर गृहे दाहे, दूसरे घर में आग लगाना, सर्वक्षण सब समय यही इनकी सब समय काम था। इसलिए सारे पाप करते थे और रास्ता में बैठ करके ना आपस आपस में जैसे पियकड़ होते हैं, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, हाँ दोनों बैठ करके दोनों आपस आपस में हाँ पिटाई दोनों वो, और तो किसको मारने के लिए कोई तो पास में जा नहीं रहे, मारेंगे किसको है, कोई तो दूर में देख करके लोगों ना दोनों को नाटक देखते थे है, दूर से खड़े होकर नाटक देखते थे। और क्या करते थे, हाँ कभी आपस आपस दोनों आपस में पिटाई, फिर थोड़ी देर बाद में दोनों फिर प्रीति है प्रेम दोनों, फिर क्या करते थे एक दूसरे को केस पकड़ते थे, तुम लोग क्या वहां क्या करते हो, क्या चक्कर क्या। इसलिए कहते उनको एक दूसरे को चोटी पकड़ करके क्या करते थे, उसको पिटता था, वो उसको पिटता था, और बकार रकार मतलब मुंह में जो आता था उल्टा पुलटा अंट संट सब बोलते थे हैं। इसलिए सब तरह का पाप, लेकिन उन लोगों ने एक चीज नहीं किया, बोले क्या नहीं किया, कहते उन्होंने वैष्णव निंदा कभी नहीं किया। इनके अंदर में पाप तो था, लेकिन उनके अंदर में वैष्णव अपराध नहीं किया है। हाँ देखो ये चीज सावधान से सुनो, बोले जे सभा वैष्णव रे निंदा मात्र है, सर्व धर्म थाकिले ओ तब है खै, सन्यासी सभा यदि है निंदा कर्म, मध्य पर सभा है ते से सभा अधर्म। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु उनको क्यों उद्धार किया, इतना तो पाप था है, जो पाप है ना ये शरीर संबंधी है, और जो अपराध है ये आत्मा संबंधी है, आत्मा संबंधी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जे सभा वैष्णव निंदा मात्र है, अगर कोई सभा हो रहा है लेकिन वहां पर वैष्णव का चुगली वैष्णव का निंदा हो रहा है, बोले सर्व धर्म थाकिले हो तब हाय खाय, सारे धर्म वहां पर है, दया दान तितिक्षा सारे जैसे है सारे धर्म वहां पर है, लेकिन वहां पर वैष्णव का निंदा हो रहे हैं वहां पर है। कहते यहाँ सन्यासी सभा यदि है निंदा कर्म, बैठे हुए सब सन्यासी लोग, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, किसी दूसरे वैष्णव का निंदा चर्चा हो रहे हैं। कहते मध्य पर सभा है ते से सभा अधर्म, कहते शराबियों से भी कहते जो सभा है और भी निंदनीय घृणित घृणित और भी बेकार है, हैं? इसलिए ये दोनों तो पाप कर्म करते थे, लेकिन ये दोनों कभी वैष्णव अपराध इन लोग दोनों ने कभी वैष्णव अपराध उन्होंने नहीं किया है। इसलिए जैसे दक्ष प्रजापति यज्ञ तो उन्होंने करवाया है, कहाँ पर कनखल में यज्ञ करवाया, वहां पर यज्ञ करवाया, और उन्होंने क्या किया सब देवताओं को बुलाया, बड़े धूमधाम से कर रहे थे, ऐसे नहीं अरब खरब रुपया खर्चा कर रहे थे, वहां पर सारे धर्म कर रहे थे, सारे देवता लोगों को भी बुलाया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने केवल क्यों कर रहे थे, उद्देश्य क्या है, शंकर जी को अपमान कैसे करें है। इसलिए सीप विहीन धर्म सीप विहीन यज्ञ जहां पर शंकर जी को अपमान करने के लिए, इसलिए ब्रह्मा सब लोग आए थे, देवा देवी इधर उधर आए, लेकिन ब्रह्मा नहीं आए, विष्णु नहीं आए, ब्रह्मा नहीं आए, बोले ब्रह्मा क्यों नहीं आए, ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु ब्रह्मा जी, और द्वादश महाजन में स्वयंभू नारद शंभु, इसलिए कहते जो स्वयंभू, इसलिए ब्रह्मा कौन, ये स्वयंभू भगवान की नाभि कमल से हुए, द्वादश महाजन में एक महाजन है, इसलिए ब्रह्मा जी नहीं आए वहां पर, उनको पता है ये जो सभा हो रहा है क्यों हो रहा है, केवल शंकर जी का अपमान करने के लिए, और जहां पर वैष्णव का अपमान करने के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं उसका परिणाम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, इसलिए उन्हें नहीं आए, है नहीं आए, और नहीं आए तो यही हुआ,
सीप पीने यज्ञ था, देवी मैया देवी जब वहां पर आई तो कहा सभी के लिए भाग है लेकिन भोले बाबा के लिए कोई भाग नहीं। तब देवी ने बोली जो सीप दो अक्षर दुनिया को कल्याण करने वाले, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी शंकर जी वैष्णवा नाम यथा संभो है। तो दो अक्षर सीप उच्चारण करता है उसका कल्याण होता है। और यहाँ पर सभी के लिए भाग केवल शंकर जी के लिए नहीं, इसलिए बोले जिनके प्रिय न राम भैदही तेजी कोटि बहरी समझ यद्यपि परम सनही। याद है, इसको याद कर लेना, बहुत अच्छा है प्यार है। गुरु जी इसको बहुत बोलते थे गुरुदेव। इसलिए यहाँ पर कहते जिनके प्रिय न राम भैदही है, जिनका प्रिय सीता और राम नहीं, तेजी कोटि बहरी समझ यद्यपि परम सनही। भले ही परम स्नेह का पात्र क्यों नहीं हो, है भले ही हमारी परम स्नेह की पात्र क्यों नहीं हो, अगर इनकी प्रिय नहीं हो तो करोड़ बहरी जान करके उनको त्याग दो, शत्रु मान कर त्याग दो। इसलिए सती ने बोले जब तक ये शरीर रहेगा दुनिया क्या मेरे को बोलेंगे किसकी बेटी है, बोले दक्ष प्रजापति की बेटी। दक्ष प्रजापति कौन है, जो वैष्णव को अपमान करने वाले, इसलिए ऐसे व्यक्ति को साथ में हम कोई भी नाता रखना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने वहीं पर उन्होंने शरीर को त्याग दे दिया है, शरीर को त्याग दिया। और हुआ क्या फल, बड़े बड़े वहां पर जो ऋषि लोग शंकर जी के अपमान में जो आंख दिखा रहे थे, मोच दिखा रहे थे, दाढ़ी हिला रहे थे, सब उखाड़ लिया सबके सब, जो हंस रहे थे दांत तोड़ दिए, किसको हाथ तोड़े किसको प्यार तोड़े है, बड़े बड़े ऋषि मुनि का बड़े दुर्गति हुई। और दक्ष प्रजापति जो इतना बड़ा उसको पद दिया था, प्रजापति पद बहुत बड़ा पद है प्रजापति की, सारे देवता जिनको इतने सम्मान करते हैं, लेकिन परिणाम क्या हुआ, कला काट दिया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर वैष्णव अपराध कहीं हो ना, अगर वैष्णव अपराध कहीं हो भैया ये बड़े खतरा चीज है, बड़ी खतरा चीज है। इसलिए हर समय क्या करो, सभी को यथा योग्य सम्मान देकर क्या करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की जिसको यथा योग्य। इसलिए कहते ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर ऐ दासे त्रिणापेक्षा अतिहीन, सकल सहने बल दिया कर निज माने स्प्रियाय। बोले सकल सम्मान करी ते सकती देह नाथ जथा जत, इसलिए सबको जथा योग्य सम्मान देते हुए क्या करो, भगवान की भक्ति करो। इसलिए जो वैष्णव जो भक्ति जगत है ना, देखो अच्छे तरह से, जो भक्ति जगत है ये ऋणी का जगत है, ऐसे नहीं हम कोई वैष्णव हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब हम थोड़ी सी बड़े हो गया ना फिर वो वैष्णव को पूछते नहीं, वो वैष्णव को नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन किसी वैष्णव से हम लिया बहुत कुछ, मदद लिया बहुत कुछ, आदर लिया, लेकिन थोड़ी सी अभिमान करते ना, प्रभुता पाई का मदना है, थोड़ी सी बड़े हो जाने पर कभी कभी क्या होता है हम दूसरों को कभी कभी नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते, नहीं ये अपराध है, ये चीज अपराध। इसलिए देह नाथ जथा जथ है, ये वैष्णव जगत ऋणी जगत है, ऋणी जगत है। हम जितने वैष्णव से ऋणी स्वीकार करेंगे हमारी भक्ति भी उतना बढ़ेगी। किसी वैष्णव से बहुत सीखा लेकिन अनादर किया, सब खत्म हो जाएगी। जितने भले ही तुम्हारे अंदर में जितने गुण नहीं हो, भगवान सब खत्म कर देंगे, सारी चीज को विनाश कर देंगे भगवान। इसलिए ये चीज को हर समय हमें ध्यान रख करके हर समय, इसलिए कहते देह नाथ जथा जथ है, इसलिए सकल सम्मान करिते सकती। इसलिए जिस जिससे हमें जितने ऋणी हमने लिया है वो ऋणी को हर समय हमें स्वीकार करनी चाहिए, और भक्ति जगत में तो बहुत ही चाहिए है। इसलिए यहाँ पर कहते उनको जिस भाई वैष्णव निंदा मात्र है सर्व धर्म था कि ले तब है खाए, इसलिए सारे धर्म रहने पर भी वो सारे नष्ट हो जाता है। इसलिए ये दोनों तो किए, उन्होंने क्या किया, पाप तो किए लेकिन उन्होंने वैष्णव अपराध कभी नहीं किए। इसलिए यहाँ पर कहते मध्य पर निष्कृति लेकिन पर चर्च कर नहीं कभी गति नहीं देखी कोनो काल। लेकिन जो शराब पीते हैं, अधर्म दुराचार है, कहते इनका तो उद्धार हो सकता है, लेकिन जो दूसरे के चर्चा निंदा करते हैं, कहते भैया इनका तो कल्याण होना कभी बड़ा कठिन है, कल्याण होना बड़ा कठिन है। तब नित्यानंद गुरु हरिदास ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते करते वहां पर पहुंचे, जब वहां पर पहुंचे तब तो उन्होंने देखा
दोनों तो आपस आपस में पिटाई शराब पी रहे, सब दूर से देख करके, सब दूर से उनका नाटक देख रहे थे है? सब नाटक क्या कर रहे हैं? इतने में नित्यानंद हरिदास ठाकुर जो वहां पर पहुंचे, दूर से देखा, बोले ये बाबा ये क्या, और देखने में ना लंबे चौड़े भयंकर, देखने में बड़ा है, देखने में भयंकर। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सबको पूछा, भैया ये क्या है, ये दोनों कौन है? वहां पर पूछा, कहते इनका क्या जाति है, वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? हैं? तब वहाँ के जो लोगों ने कहा, देखो ये दोनों तो ब्राह्मण घर में दोनों का जन्म हुआ है, हैं? वंश इनका पवित्र है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपना धर्म कर्म को सब त्याग दे करके, हैं? परिवार को त्याग दे दिया, स्वतंत्र हो करके क्या कर रहे हैं? इसलिए इनका जब उन्होंने शराब पी करके ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के, जब क्या इनका परिवार लोग इनको बहिष्कृत कर दिया, अपना परिवार से निकाल दिया, और ये लोग क्या कर रहे, नदिया में आकर बैठी करके हैं, कहते सारे पाप कर रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु महा श्री हरिदास ठाकुर ये सुने ना, तो यहाँ कह रहे हैं, बोले सुनी नित्यानंद बड़ो करुण हृदय, तुयेर उद्धार चिंते हैया सदय। नित्यानंद प्रभु जब उन्होंने सुना, सुन करके महाप्रभु क्या कैसे हैं, बोले बड़ा करुण हृदय, नित्यानंद प्रभु का हृदय बड़ा करुण है, हैं? इसलिए निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण हवे। इसलिए कहते महा नित्यानंद प्रभु का हृदय बड़े दयालु हृदय, क्यों कारण क्या है, बोले वैष्णव का जो हृदय है, संत हृदय नव नीत समान, संतों का हृदय कोमल जैसे, और नित्यानंद प्रभु कौन है, बलदेव प्रभु, संतों में सर्वश्रेष्ठ अमर आदि गुरु है, हैं? अखंड है, गुरु तत्व का जो मूल है, उनका हृदय तो बड़े दयालु है, बड़े कृपालु। अभी उन्हें दुईर उधार चिंते हैया सदय, अभी ये सोच रहे हैं ये दोनों का उधार कैसे हो, इन दोनों का कल्याण कैसे हो, हैं? क्यों क्यों कल्याण हो, तब यहाँ पर कह रहे हैं, कहते चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आए, किस लिए आए, कहते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे, पतित पवन है तो तब अवतार, मोसमा पतित प्रभु ना पाई वे आर, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोखे, कृपा बलो करना कर आमी बड़ दोखे। इसलिए यहाँ कह रहे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दया, पतित पावन हेतु तब अवतार, जगत में आए किए क्यों, बोले पतित पावन हेतु, केवल पतितों को उद्धार करने के लिए ही महाप्रभु जगत में आए, बोले मौसम पतित प्रभु नापाईवार, सब सबसे बड़े पतित कौन हो, मैं सब जगत में सबसे बड़ा पतित मैं हूँ, हैं? इसलिए अभी वो सोच रहे हैं महाप्रभु तो पतित पावन उद्धार करने के लिए आए, लेकिन इनके जैसे तो बड़े पतित जगत में कोई है ही नहीं, सबसे पतित दोनों यही दिख रहे, सबसे बड़े पतित है। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु अभी अपना प्रकाश नहीं किया, इसलिए महाप्रभु को कोई जानते नहीं इतना, लेकिन एक व्यक्ति का जैसे एक हाथी है, हाथी के अंदर में ताकत कब पता चलेगा, कब पता चलेगा, जैसे एक दीवाल है, जब एक हाथी दीवाल को इसे मारे और दीवाल को तोड़ दिया, जब तोड़ दिया ना, बोले बाबा रे हाथी का तो बड़ा ताकत है, जैसे कोई पेड़ है, हैं? पेड़ है, जब एक हाथी सूंड में उसको उखाड़ दे, क्या समझेगा, बोले बाबा रे इतना ताकत हाथी में, तभी तो उनको महिमा प्रकाश पाता है ना। इसलिए अभी यहाँ पर सोच रहे हैं महाप्रभु प्रचन्न अवतार है, हैं? प्रचन्न अवतार, अभी महाप्रभु अपने आप को छुपा करके बैठे, छुपा कर बैठे हुए, इसलिए नित्यानंद प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु ये संदनी शक्ति अधिष्ठात्री देवता, महाप्रभु को जो प्रकाश करने वाले नित्यानंद प्रभु, इनकी महिमा का तो प्रकाश यही करेंगे ना, करने वाला तो यही है, उनकी महिमा कौन प्रकाश करेगा, यही करे। अभी नित्यानंद प्रभु काम इनकी महिमा को प्रकाश करना, बोले कैसे इनकी महिमा के जगत में हम प्रकाश कैसे करें, कैसे प्रकाश करें, नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं, महाप्रभु तो अपने प्रभाव को
अभी उन्होंने नहीं दिखा रहे हैं, हैं? इतने में यहाँ पर कहते बोले पातकी अतिपातकी अनुपातकी उपपातकी महापातकी, हैं? कहते ये जो दोनों हैं वो सब पातकी है, सब सबसे बड़े पाप करने वाले यही है, इसलिए सोच रहे इनकी महिमा को जगत में कैसे प्रकाशित करे। तब वो सोच रहे हैं नित्यानंद प्रभु देखो अभी ये क्या कर रहे हैं, बोले शराब पी करके क्या कर रहे हैं, बतवाला है पागल, शराब पी करके रकार मकार और क्या कर रहे हैं, तो पागल। तब नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं अगर ये जगत का शराब पी करके अभी जैसे मतवाला एक दिन कृष्ण नाम रूपी शराब अगर पी करके अगर ऐसे कभी मतवाला हो जाए ना, बस इनका जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ अभी तो एक शराब पी रहे लेकिन जगत का शराब क्या है, रात को पियो सवेरे नशा उतर जाएगा, लेकिन कृष्ण भक्ति रूपी शराब पियो तो उसका नशा कभी उतरती नहीं, हर समय उसका नशा बढ़ती रहती है, उसकी नशा बढ़ती रहती है। अगर ये दोनों ऐसे ही कृष्ण भक्ति रस में अगर पी करके कृष्ण नाम लेकर अगर कभी कांदे हैं, तभी हम जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हम दोनों को जो भेजे हैं इसलिए घर घर में जाकर कृष्ण भक्ति की भिक्षा मांगो, तभी हमारी सार्थकता है। कहते हैं जैसे अभी इनकी छाया स्पर्श करके हैं क्या होता है, गंगा स्नान करना पड़ता है, हैं? क्योंकि दोनों पापी है, लेकिन अगर एक दिन ऐसे हो इनको दर्शन मात्र से ही गंगा स्नान हो जाए, इसलिए कहते दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारे गुण, इसलिए गंगार पर सहिले पश्चात पावन दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारे गुण, इसलिए गंगा को स्पर्श करने से पवित्र, लेकिन वैष्णव को दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाए। इसलिए नित्यानंद प्रभु सोच रहे अगर एक दिन ऐसे हो ये जैसे इनको छाया स्पर्श करने पर जैसे लोग गंगा स्नान करते एक दिन ऐसे हो इनको दर्शन मात्रे गंगा स्नान का अगर फल मिल जाए तो तब इन लोगों का है तभी धन्य है। अभी कहते भैया ये लोग इतना पाप किया है ना, हैं इतना पाप किया, चित्रगुप्त तो इनके पाप को लिख लिख करके हैं, जिस समय जमदूत इनका जो पाप करते हैं उनका सारे पाप को लेकर रोज किसको बोलते हैं, चित्रगुप्त को, और चित्रगुप्त इनके पाप को लिख 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 करके ना इतने विरक्ति हो गए, फिर जब जमदूत आ करके रोज रोज बोलते हैं, हैं रोज रोज बोलते हैं आज जगह माता ये क्या, आज ये क्या, आज ये क्या, कभी कभी चित्रगुप्त लिखते लिखते घर भर गया, बस पाप से घर भर गया। कभी कभी चित्रगुप्त को इतना क्रोध आ जाता है बड़े क्या रोज रोज जगह माता ऐसे किया ऐसे किया, है दो व्यक्ति कभी इतना पाप कर सकते हैं, कभी इतना पाप कर सकते हैं, उनको भी गुस्सा आ जाता था। हाँ गुस्सा आप कभी कभी चित्रगुप्त सोचते हे भगवान इनको उद्धार कैसे होगा, इतना पाप करोड़ काल भी इनका कभी पाप से उद्धार नहीं होगा, हाँ क्यों सोचते थे इनका निस्तार नहीं, इसलिए हाँ इसलिए कहते हैं हम समय जवंतर कल्याण, इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को कह रहे बोले हरिदास जिस समय जवन लोग मुसलमान लोग ये हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई कर रहे थे और इनका पिटाई को देख करके भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर कहां से आ गए, वैकुंठ से उतर करके आगे बोले दुष्ट मेरे भक्तों के ऊपर में अत्याचार, आज सारा दुनिया को मैं ध्वंस कर डालूंगा, इसलिए बोले बोले जदा देवेशु बेसु गोसु विप्रेशु सदा अशुभ नश्यति, भगवान कहते हैं जब किसी साधु को ऊपर में अत्याचार होने लग जाए, जब गो हत्या होने लग जाए पृथ्वी है और भगवान में शास्त्र में जब अत्याचार होना, भगवान कहते सदा अशुभ नश्यति, मैं समूल दुनिया को ध्वंस कर देता हूँ भगवान कही है। इसलिए जिस समय तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा था, जिस समय भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आए है, उस समय आप क्या कर रहे थे, अब तो ठाकुर को प्रार्थना की ठाकुर जी ये लोग दुष्ट ये अज्ञान ये कुछ जानते नहीं, अब इनके अपराध को दूर कर दो, आप ही तो प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए आप ये दोनों को भी नित्यानंद प्रभु कह रहे आप ये दोनों के लिए भी ठाकुर के लिए प्रार्थना करो, ये दोनों का भी ठाकुर जी ये दोनों का भी ठाकुर कल्याण करे है, क्योंकि कहते वैष्णव आवेदने कृष्ण दयामय एहन पामर प्रति हवन सदय, जब कोई शुद्ध वैष्णव भक्त भगवान को प्रार्थना करते ठाकुर जी ये अधम व्यक्ति पर कृपा कर दो, भगवान क्या करते हैं, भगवान सारी प्रतिज्ञा को तोड़ करके
अगर कोई वैष्णव अगर किसके लिए बोले, ठाकुर जिसको सुनते हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु हरिदास आप ये दोनों के लिए ठाकुर जी के पास में प्रार्थना करो, ये दोनों को भी ठाकुर जी कल्याण करे। क्योंकि भगवान जब अजामिल जैसे व्यक्ति को उद्धार कर सकते हैं, हैं, और ये दोनों को क्या उद्धार नहीं कर सकते। दुनिया देखे, क्या देखे, महाप्रभु कैसे नित्यानंद ये जगाई माधाई को कैसे महाप्रभु उद्धार किया। इसलिए अभी से हरिदास ठाकुर सोच रहे कि हरिदास ठाकुर सोच रहे अगर नित्यानंद प्रभु किसके लिए प्रार्थना करते हैं, किसी व्यक्ति की हाँ दुष्टता को देख करके अगर नित्यानंद प्रभु का हृदय द्रवीभूत हो रहा है, इनके कल्याण हो, इनका तो कल्याण हो ही गया, इनके कल्याण हो ही गया। केवल एक अनुष्ठान केवल अभी बाकी रह गया है, केवल अनुष्ठान बाकी रह गया, ये दोनों का उद्धार हो ही गया। इसलिए कैसा अनुष्ठान बाकी रह गया हम इसको कल सुनेंगे, इनका अनुष्ठान कैसे बाकी रहा और महाप्रभु ये दोनों को कैसे उद्धार कर रहे हैं कल हम लोग श्रवण करेंगे। बोले सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री जगाई माधाई की जय, विजय की जय, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि गौर। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण। इसमें जो लोग आप देख रहे हैं ना हरे कृष्ण, आप लोग जो देख रहे हैं आपका अड़ोसी पड़ोस में जो होगा, इसलिए कल हम लोग 10:30 बजे अनुपम 10:30 बजे हाँ 10:30 बजे किसे बारहटा समय ये करेंगे ना, बारहटा समय से विदेश में हम क्लास देते 10:30 ले तो ठीक है समय रहे सब लोग हाँ। इसलिए आप लोग जो 10:30 बजे अगर आप लोग चाहोगे हम स्काइप में बात कर सकते हैं ना अनुपम, तो उसमें क्या होगा हाँ हाँ, जब 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 विदेश रशिया लोग मैं कर सकते कहीं हवन चला हाँ अलग अच्छा। इसलिए आप लोग जो दर्शन करना चाहते हैं आप लोग दर्शन कर सकते हैं, और जो फोन से बात करना चाहते हो आप लोग 10:30 बजे आप लोग फोन से मेरे से आप बात कर सकते हैं। और कुछ कुछ भक्त लोग बोल रहे थे गुरु जी हम कुछ प्रणाम देना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा में, अगर आप कुछ प्रणाम देना चाहते हो किस किस नंबर कार नंबर दिल फटेगारी कार नंबर दिल फटेगा तम नंबर दिल फटेगारी हाँ। इसलिए हम एक भक्तों का कौन सा बैंक अकाउंट नंबर भेज दूंगा, अगर कुछ कुछ भक्त लोग बोल रहे थे हम कुछ सेवा करना चाहते हैं आप लोग उसी में जो कुछ भेजना आप लोग भेज सकते हो ठीक है। कल श्री गुरु पूर्णिमा है, व्यास देव का आविर्भाव, सनातन गोस्वामी का त्रिभाव है, इसलिए यहाँ पर सवेरे भी कथा होगी और मैं शाम को भी यहाँ पर मैं शाम को भी कथा करूँगा। इसलिए अब लोग जैसे स्काइप में दर्शन कर रहे हैं वैसे अब लोग दर्शन कर सकते हैं, अगर हो सकता है कल शाम को थोड़ी सी ज़्यादा कथा अगर तुम लोग थोड़ा तैयारी वगैरह हो सवेरे अगर होता होगा, नहीं होगा तो शाम को थोड़ी थोड़ी जैसे सनातन गोस्वामी का कथा है हैं? और व्यास पूजा है, बारे में जो बोलना चाहते हो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, भक्त लोग इसमें दर्शन करेंगे। थोड़ी सी ज्यादा 7:30 बजे होगा तो हम बैठ जाएंगे ठीक है, और तो ज्यादा समय कर लेंगे ठीक है हाँ। महाराज का Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna.
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण जय गुरु देवा
गोविंद मदन मोहन जी की जय नितलीला प्रभुशील भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय नितलीला प्रभुशील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय नितलीला प्रभुशील भक्ति वेदांत पावन गोस्वामी महाराज की जय नितलीला प्रभुशील भक्ति वेदांत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सब हरिकर गौर हरि की जय अनंत गौर भक्त समागत गौर भक्त वृंद जनिष्कंचन महाराज जय गौर ब्रह्मानंद जय।